नमस्कार, मैं हूं रोहित बैरागी और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़ चैनल। पंचायत सचिव 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। मंदसौर जिले के ग्राम पंचायत बोतलगंज के पूर्व सचिव को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सचिव अभी ग्राम पंचायत मल्हारगढ़ में पदस्थ है। जानकारी के अनुसार मुबारक खान पिता इब्राहिम निवासी ने बोतलगंज मंदसौर में लोकायुक्त पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पत्नी और पुत्र के नाम से बोतलगंज में भूखंड पर 1.5 साल पहले मकान बनाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन तत्कालीन पंचायत सचिव शंभू सिंह चौहान ने अनुमति देने के लिए 10,000 रुपये की मांग की। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने पंचायत सचिव को रंगे हाथ गिरफ्तार करने की योजना बनाई और शिकायतकर्ता को दोबारा पंचायत सचिव के पास भेजा, जिसमें सचिव ने 30,000 रुपये की मांग की और 2-3 दिन में 10,000 रुपये देने जाने का भी तय हो गया। पूरी बातचीत को लोकायुक्त पुलिस ने रिकॉर्ड किया और योजना के मुताबिक 10,000 रुपये की रकम देने के लिए शिकायतकर्ता मुबारक को भेजा। आज जैसे ही सचिव के थड़ोद स्थित आवास पर सचिव ने रिश्वत की रकम ली तो लोकायुक्त ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हमारे साथ MP7 न्यूज़ चैनल।